नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ममता बनर्जी बोली 2021 विधानसभा चुनाव में दोबारा सत्ता में आएंगे, गद्दार पार्टी छोड़ दे। लोकसभा चुनाव में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बावजूद तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि 2021 विधानसभा चुनाव में फिर से ये जीत हासिल करने के लिए प्रति आश्वस्त है। उन्होंने गद्दारों को पार्टी की संभावनाओं को नुकसान पहुँचाने की बजाय पार्टी छोड़ने के लिए कहा। चार दिन बाद शुरू हुआ मुंबई एयरपोर्ट का मुख्य रनवे। मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रन संख्या 27 पर शुक्रवार शाम से विमानों की आवाजाही फिर शुरू हो गई है। बता दें कि सोमवार मंगलवार की रात बारिश के दौरान स्पाइस जेट का विमान इस रनवे पर लैंडिंग के वक्त फिसल गया था, जिसके बाद से ही रनवे को बंद कर दिया गया था। धर्मेंद्र प्रधान ने बजट को बताया अगले 10 साल के रोड मैप का पहला डॉक्यूमेंट। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र ने कहा कि यह अगले 10 साल के लिए रोड मैप का पहला डॉक्यूमेंट है। आने वाले दिनों में देश में रोजगार बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ा है। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।